गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज लाइफ माय वे। माय नेम इज़ आकांक्षा और हाल ही में मैं गई थी नुमाइश में नामपली एग्जीबिशन, जो कि हर साल होता है नामपली एग्जीबिशन ग्राउंड्स में। वो इस बार 79th एग्जीबिशन था एंड आई शॉक्ड अ लॉट। आई रियली वेंट क्रेजी एंड आई शॉक्ड अ लॉट। तो मैं जो है ये हॉल 3 parts में शेयर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट एन एवर आई अपलोड एन वीडियो यू गेट नोटिफिकेशन। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड ताकि आपको पता चले कि जब भी मैं कोई हॉल डाल रही हूँ तो यू गेट नोटिफाइड एंड वॉच दैट वीडियो। तो जो ये हॉल है ये मैंने 3 parts में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो कि आज है, अभी है, दैट इज़ हमारा शो व्हाट ऑल आई बॉट फॉर होम, जैसे कि मैंने घर के लिए क्या चीज़ें खरीदी हैं और मैंने रिया के लिए क्या टॉयज खरीदी है। देन सेकेंड ऑन द सेकेंड हॉल पार्ट आई एम गोना शो ऑल द क्लोथ्स दैट आई हैव बॉट एंड इन द थर्ड पार्ट आई एम गोना शेयर माई एक्सेसरीज एंड माई शूज़, व्हाट मीन शूज़ एंड सैंडल्स, जो कुछ भी मैंने खरीदे हैं, विया ने खरीदे हैं, विया के लिए खरीदे हैं, तो दैट ऑल आई एम गोना शेयर इन द थर्ड पार्ट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने घर के लिए क्या क्या खरीदा है। तो घर के लिए मैंने सबसे पहले खरीदा है ये कारपेट। ये एक यू नो लेट मी शो यू दिस काइंड ऑफ कारपेट। इसके नीचे जो है ऐसे रेड कलर का अस्तर होता है एंड देन दिस टैसल्स इन द एंड। ये बिछाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसका जो साइज़ है वो है 5x7। ये आप एज अ कारपेट सेंटर में लिविंग रूम में डाल के आप बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ माई सेकेंड वन। मेरे पास एक ऑल है और एक है जो मैंने पिछले साल खरीदा था एंड दैट वॉज इन अ ब्राउन कलर। आई थिंक मैंने आपको दिखाया हुआ इन दिवाली हॉल और इन 31 December का नहीं दिवाली सेलिब्रेशन में होगा या फिर मेरा 31 December का जो सेलिब्रेशन का वीडियो है उसमें होगा। मेरा जो फर्स्ट ब्राउन कलर का जो ऐसे सेम कारपेट है वो, और इस बार मैंने खरीदा है नेवी ब्लू कलर में। ये बहुत ही गर्म है, यू नो जैसे कि नीचे मेरा फ्लोरिंग जो है वो मार्बल है। मार्बल ठंडी में बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है एंड अगर मैं ये बिछा के बैठती हूँ यहाँ पे तो इट इज़ रियली रियली कम्फर्टेबल और बहुत ही गर्मी देने वाला कारपेट है। तो इसलिए मैंने आई ऑप्टेड फॉर दिस क्योंकि मुझे चाहिए था सेकेंड वन। तो इसलिए मैंने जो है ब्लू कलर में ख़रीदा है। दिस इज़ रियली वेरी हैवी आई मस्ट से। एंड उसके बाद जो है मैंने घर के लिए ख़रीदी है बेडशीट्स। बेडशीट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ में थी इस बार। लास्ट ईयर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था लेकिन दिस ईयर आई मेड श्योर कि मैं थोड़ा यू नो बेडशीट्स के लिए भी देखूँ। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बेडशीट दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर। ये एक प्योर कॉटन हैंडलूम बेडशीट है। दिस इज़ डबल बेड का बेडशीट है। पूरा इस तरीके से डिज़ाइन है एंड द साइज एंड्स आर लाइक दिस। तो ये बहुत एक अच्छा कॉटन का है बेडशीट, मेरे पास ऐसा नहीं था। एंड ये उसका पिलो कवर है इस तरीके से। तो दिस आई गॉट फॉर ₹450। वो बार्गेन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। सिंगल बेडशीट्स दे रहे थे वो लोग 500 में 3 piece, लेकिन मुझे सिंगल बेड के लिए बेडशीट नहीं चाहिए थी। आई ऑलरेडी हैव मोर बेडशीट्स फॉर सिंगल बेड लाइक दिस बट आई डोंट हैव मोर बेडशीट्स फॉर माई डबल बेड। तो इसलिए मैंने डबल बेड के लिए ही लिया एंड दिस इज़ ₹450। यू गेट अ डबल बेड बेडशीट एंड 2 pillow covers। सो दैट इज़ फॉर दिस 450। जो कारपेट मैंने पहले दिखाया उसका प्राइस है ₹400। उसके बाद जो है मैंने घर के लिए ख़रीदा है ये बहुत ही क्यूट सेट ऑफ कप एंड सॉसर। दिस इज़ सो नाइस एंड दिस इज़ द कप। इसका जो ये हैंडल है ये भी गोल्डन कलर का है। ये इतना क्यूट है, ओ माय गॉड। और इन्होंने मुझे कोट किया था ₹750 बट आई स्टिल बार्गेन एंड आई गॉट इट फॉर ₹400। ये पूरा सेट मुझे 400 का मिला, 6 saucers and 6 cups। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है। इट इज़ सो क्यूट एंड इट इज़ सो अडोरेबल। मुझे इतना अच्छा लग गया कि यू नो वाओ, आई जस्ट फेल इन लव विथ इट। उसके बाद मैंने लिया है ये वॉल कांच का, ये कुछ इस तरीके से है यू नो थोड़ा सा वॉट इज़ अबाउट डिज़ाइन, मोज़ेक डिज़ाइन मे बी इट इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो व्हाट डिज़ाइन इट इज़ बट
ये कुछ इस तरीके से है। इसमें मुझे यू नो फ्लावर्स सजाना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता है मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो है मैं फेस्टिवल्स में या फिर कभी कभार यू नो थोड़ा सा फ्लावर्स सजाऊंगी, इसमें पानी डाल के इट इज़ गोइंग टू लुक सो 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 ब्यूटिफुल। एंड ये मुझे उन्होंने कोट किया था 500 का, बट ही गेव मी 300 रुपीज़ कपेंस होने का मैंने बता दिया। और इसके साथ ना इसमें डालने के लिए देन आई बॉट अ दिया सेट। वहाँ पे जो है राजस्थान से कुछ लोग आए हुए थे और दे वर सेलिंग अनब्रेकेबल दियाज विच आई थॉट इज रियली ब्यूटिफुल। ये उसमें ना बहुत सारे कलर्स थे लाइक दिस, तो मैंने ओनली 3 लिए। वहाँ पे 12 के पीसेस 12 का सेट था, बट आई ऑप्टेड ओनली फॉर 3 दियाज। सो ये 3 दियाज 10 रुपीज़ ईच 30 रुपीज़ के मुझे मिले। एंड देन आई गॉट द फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स है इसमें पानी में डालने के लिए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स या रियल फ्लावर्स भी हम डाल सकते हैं लेकिन वो एक दो दिन में यू नो मुरझा जाते हैं, बट दिस आर द आर्टिफिशियल फ्लावर्स विच विल आई थिंक स्टे फॉर लॉन्गर और अच्छा भी दिखेगा। यू नो यू डोंट हैव टू नीड यू डोंट नीड टू चेंज इट अगेन एंड अगेन। फ्रेश फ्लावर्स हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, बट आई गेस इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यू नो थोड़ा हमारा टाइम और हमारी मेहनत बच जाएगी और घर भी अच्छा लग जाएगा। तो दिस इज़ द सेट, दिस होल सेट इज दियाज अपॉर 30 रुपीज़ विच आई बॉट। ये ऐसे निकलता है एंड देन यू हैव टू पुट द रूई इन साइड, वो भी दी हुई है लाइक दिस। यू हैव टू पुट इन साइड दिस एंड देन यू हैव टू प्लक इट इन इट इन इट हेयर लाइक दिस। ये इस तरीके से एंड देन वो जलेगा अपने आप। ये गर्म भी नहीं होता है दिया, आप इसको कितने भी टाइम जला लीजिए लेकिन ये गर्म भी नहीं होता है एंड बहुत अच्छे से बहुत देर तक भी चलता है। तो दिस दियाज आई गॉट फॉर 30 रुपीज़ लाइक 10 रुपीज़ ईच एंड दिस फ्लावर पैकेट आई गॉट फॉर 70 रुपीज़, तो इन ऑल मुझे ये 100 रुपीज़ में पड़ा। एंड देन उसके बाद मैंने लाए हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं, अगेन यू हैव टू बार्गेन देयर, थोड़ा बहुत तो बार्गेन चलता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए उनकी क्वालिटी। ऑल दो आई डिड नॉट नो एनी काइंड ऑफ क्वालिटी, मुझे नहीं समझ में आती है, तो आई ऑलवेज ऑप्टेड फॉर द हायर रेट। यू नो लाइक सपोज एलमंडस आर फॉर ₹900 एंड ₹1100, तो मैं हमेशा 1100 के लिए ऑप्ट करती हूँ रादर देन ऑप्टिंग फॉर 800। तो थोड़ा सा क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है और ऑफकोर्स सी द क्वालिटी, 800 का भी क्वालिटी देख लेना एंड 1100 का भी क्वालिटी देख लेना, तो यू विल गेट टू नो बेटर कि मतलब कौन सा क्वालिटी अच्छा एंड देन गो एंड ऑप्ट फॉर इट। तो कैश्यू नट्स मैंने खरीदे हैं 1/2 kg एंड एलमंडस खरीदे हैं एंड पिस्ता खरीदे हैं एंड वॉलनट्स खरीदे हैं एंड अंजीर खरीदे हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मुझे सारे पड़े हैं 1100 समथिंग में। मैंने बहुत सारा बार्गेन किया अगेन इसमें भी यू नो क्योंकि मेरे टोटल समथिंग उन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया है फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे टोटल हुए थे समथिंग 1300 राउंड फिगर मैं आपको बता रही हूँ 1300 के आसपास हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे 1150 या 70 में कुछ फाइनल मुझे दे दिया ये सब कुछ। तो आई थिंक मैंने इतना बार्गेन नहीं किया बट आई डिड वट एवर आई कैन आई कुड हैव डन, तो इसीलिए लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने हर एक चीज़ टेस्ट करके ली हुई है एंड दैट इज़ वाई आई थिंक द क्वालिटी इज़ बेटर ऑफ कोर्स। उसके बाद बढ़ते हैं विया के टॉयज़ की तरफ। गाइस टॉयज़ जो है वहाँ पे इतने सारे अच्छे क्वालिटी में मिलते हैं ना, यू कैन गो फॉर वट एवर क्वालिटी यू वॉन्ट, लाइक फॉर रिमोट कार्स आई वुड से, फॉर बाबी डॉल्स आई वुड से, फॉर डॉल हाउसेज आई वुड से, फॉर एनीथिंग यू वॉन्ट एंड इट इज़ देयर। तो सबसे पहले मैं इस बार जो गई थी वो काइनेटिक सैंड के लिए गई थी, क्योंकि विया के पास काइनेटिक सैंड नहीं था एंड आई डिडंट वांट टू गो फॉर द हायर ब्रांड्स, क्योंकि मुझे देखना था कि पहले वो कैसे खेलती है उस चीज़ों से। यू नो अगर मैं पहले ही महंगा लेके आऊँगी एंड शी स्टार्ट वेस्टिंग इट लाइक मतलब यू नो वेस्ट हो जाएगा तो मेरा पैसा भी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं ये वाला ट्राई कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा चीपर वंस है लेकिन चीपर वन है लेकिन बहुत अच्छा है आई शुड से। ये जो है इस तरीके से यू नो प्लास्टिक कंटेनर में आता है और ये कलर है जस्ट अ सेकेंड, ये मेरी वॉशिंग मशीन थी प्लीज डोंट माइंड
तो ये कलर है काइनेटिक सैंड का. काइनेटिक सैंड जो है ये इस कंटेनर में आता है. एंड अगेन जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू रिमूव ऑल दिस. मैं ये सब लेकर बैठी हूँ यहाँ पे. ओके, एंड दिस कम्स विद एंड विद वेरियस काइंड ऑफ शेप्स इन इट. लाइक एग्जाम्पल फिश है, स्टार फिश है, शेल का शेप है, सी हॉर्स का शेप है, फिर फिश का शेप है, दिस काइंड ऑफ फिश, दिस काइंड ऑफ क्रैब. ये सारे शेप्स इसके अंदर आए थे. एंड वन मोर थिंग विच आई गॉट इनसाइड दिस वाज दिस ट्रे. ये आपको ब्लो करना है ट्रे यहाँ से, और ये जो साइड के कॉर्नर्स हैं वो अपने आप ब्लो हो जाते हैं. एंड देन यू हैव टू मेक योर चाइल्ड टू प्ले इनसाइड दिस सो दैट इट डजंट गेट मेसी. एंड आराम से खेल भी पाते हैं, और खेलने के बाद हम आराम से इसके अंदर रख भी सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. इसीलिए मैंने ये ऑप्ट किया. एक्चुअली ये जो हायर ब्रांड्स में मिलते हैं काइनेटिक सैंड्स, वो थोड़े से महंगे भी होते हैं. एंड उनका कंटेनर जो होता है वो आई थिंक कंपैरेटिवली छोटा होता है. तो इसीलिए आई ऑप्टेड फॉर दिस. दिस कंटेनर इज ऑल्सो बिग. एंड द थिंग द जो ब्लो वाला उन्होंने ट्रे दिया है वो भी काफ़ी बड़ा है. उसके बाद उसी शॉप से मैंने लिया है ये बाहुबली का. शी वेंट क्रेजी सीइंग दैट बाहुबली मूवी एंड शी इंसिस्टेड मी ऑन बाइंग दिस बो एंड एरो गन. तो उसके पास है, लेकिन उसको बो एंड एरो में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए ये बो एंड एरो का सेट हमने लिया है. एंड देन द लास्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम द सेम शॉप इज दिस बारबी सेट. ये जो है इसमें दो डॉल्स हैं, मम्मा डॉल है, बेबी डॉल है, एंड द बॉटल हेयर एंड थ्री ड्रेसेस फॉर द बेबी डॉल एंड थ्री ड्रेसेस फॉर मम्मा डॉल. तो ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन यू नो द पैकेजिंग एंड द कलर कॉम्बिनेशंस एंड द ड्रेसेस विच दे हैव पेयर्ड अप हियर इज़ लाइक यू नो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं. मैं खुद अट्रैक्ट हो गई थी फ्रेंकली स्पीकिंग. तो भैया तो बहुत ही छोटी है, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती उसको. आई टोटली गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस. मुझे नहीं पता था कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो लेकिन जब आज भैया ने उसे ओपन किया और मैंने देखा कि क्वालिटी इज़ बकवास, इट इज़ नॉट एट ऑल द वर्थ. मैंने इसके लिए ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पे किए हैं एंड इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट. तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैंने 200 पे किया, इसके लिए मैंने 100 पे किया, दैट कम्स 300. एंड ये काइनेटिक सैंड का जो सेट है इसके लिए मैंने 400 रुपीज़ पे किया है. तो टोटल मैंने इसके लिए पे किया है 400-600-700 मैंने ये शॉप में पे किया था. हालांकि उन्होंने मुझे इसका 380 रुपीज़ बताया था. इस बार भी सेट का उसने मुझे 380 रुपीज़ बताया था. फॉर दिस ही कोटेड मी अराउंड 200 और 180, आई डोंट रियली रिमेंबर. मैंने वो 100 रुपीज़ में लिया है. एंड फॉर द काइनेटिक सैंड सेट उसने मुझे कोट किया था 490 रुपीज़, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा मार्गेन नहीं कर पाई, 400 में उसने दे दिया. उसके बाद हमने खरीदी भैया के लिए ये पेंसिल, इसमें जो है ऐसी लाइट जलती है. एंड ये ब्रेक भी हो गई है क्योंकि उसने कहीं पे यू नो जोर से मार दिया है, ब्रेक हो गई. ये पेंसिल थी 20 रुपीज़ की. उसके बाद हमने ख़रीदा है ऑफकोर्स, अगर आप नुमाइश में ना जाए और स्लाइम ना लेके आए तो इट इज़ लाइक काइंड ऑफ आई डोंट एट ऑल लाइक इट. लेकिन विया और विया के फ्रेंड्स जो है आजकल बहुत स्लाइम से खेल रहे हैं. उसके सारे फ्रेंड्स के पास स्लाइम है एंड शी वॉज इंसिस्टिंग मी ऑन बाइंग द स्लाइम बिकॉज मम्मा प्लीज सबके पास है, मेरे पास ही नहीं है. यू प्रोमिस्ड मी यू वुड गेट मी स्लाइम इन नुमाइश एंड सो आई हैड टू गेट इट. ये बहुत ही गंदा फीलिंग है, आई डोंट लाइक इट. ऑल द बॉटल इज़ वेरी क्यूट, द कलर इज़ वेरी क्यूट, लेकिन वो हाथ लगाने के बाद फीलिंग जो है ना वो बहुत देर तक मेरे हाथ में रह जाती है. आई फील सो आई डोंट नो वट टू हाउ टू एक्सप्लेन इट. तो ये बॉटल ये है 40 रुपीज़ की. एंड उसके बाद एक क्यूट सा बन नहीं है, बनी ईयर्स है एक्चुअली. ये क्लिप लिया है मैंने, इट हैज़ टू बी पुट लाइक दिस, इट लुक्स क्यूट. ये मैंने लिया है 30 रुपीज़ का. एंड देन ये ऐसे ही नॉर्मल पर्स है जो फर वाला है, फरी है बहुत ज़्यादा. एंड यहाँ पे लिखा है हेलो. ये मैंने लिया है 20 रुपीज़ का. एंड देन वहाँ पे यू नो किंडर जॉय टाइप्स के ऐसे बारबी के सेट्स मिल रहे थे इन द हार्ट शेप. इसके ऊपर बारबी का कवर था तो इसीलिए विया ने ये लिया. और इसके अंदर थी कैंडीज, थी टैटू था, और ये एक टॉय मिला है.
आई डोंट नो व्हाट टॉय इज दिस, ये अभी तक मैंने खोला नहीं है क्योंकि वो स्कूल में है तो अभी स्कूल से आने के बाद ऑब्वियसली वो खोलेगी. दिस आई गॉट फॉर 30 rupees. एंड लास्ट आई गॉट दिस ब्लो पेन सेट फॉर हर. उसके पास ब्लो पेन का सेट नहीं था अभी तक एंड इसलिए वी ऑप्टेड फॉर दिस. इसके अंदर इस तरीके से आपको स्केच पेन डालना है एंड देन यू हैव टू ब्लो एंड देन यू नो उसके अंदर तरह तरह के स्टेंसिल्स दिए हुए हैं, तरह तरह के शेप के स्टेंसिल्स दिए हुए हैं एंड यू कैन गो अहेड एंड ब्लो दैट एंड देन इट विल हेल्प योर चाइल्ड यू नो टू ड्रॉ वेरियस थिंग्स. बहुत सारे स्टेंसिल्स है, लेकिन मैंने अभी तक ओपन नहीं किए हैं क्योंकि यू नो कल ही मैं सब शॉपिंग करके आई हूँ एंड now I'm sitting here doing a haul. I was so excited to share it with you all guys. So you know इसीलिए ये एक ये दो सेट दिए हैं उन्होंने ब्लो पेन्स के एंड ये दो स्केच पेन्स. कोई भी स्केच पेन आप इसके अंदर डाल सकते हैं एज ही सेट टू मी. आपको इसके अंदर जैसे जैसे स्केच पेन डालना है देन यू हैव टू ब्लो एंड दिस आर द स्टेंसिल्स. बहुत सारे स्टेंसिल्स हैं इसके अंदर. सी द शीट ऑफ स्टेंसिल्स मैंने अभी तक निकाले नहीं है बट बहुत सारे हैं. फ्रूट्स है, फिर शेप्स हैं, एनिमल्स हैं, क्रिसमस ट्री है, यू नो बहुत सारे शेप्स हैं इसके अंदर. तो अभी ये स्टेंसिल्स एक एक करके यू नो निकालेंगे एंड देन आई विल मेक हर टू डू इट. तो ये मिला है मुझे ये एक ब्लो पेन, आई मीन ये ब्लो पेन का सेट एंड ये ब्लो पेन का सेट तो मुझे फ्री मिला है. इसके साथ मैंने ये लिया है, दिस इज अ वंडर मिरर, मैजिक मिरर, आई एम सॉरी नॉट वंडर, दिस इज अ मैजिक मिरर. ये जो है इस तरीके से आपको ये मिलता है. दिस इज द मिरर काइंड ऑफ अ थिंग इन विच यू हैव टू अटैच दिस स्टैंड लाइक काइंड ऑफ प्योर. This like kind of. उसके बाद जो है आपको जो कोई भी चीज ड्रॉ करनी है लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने कुछ ड्रॉइंग किए हुए हैं. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड ड्रॉ करना है तो मैं मुझे जो है यहाँ पे ऐसे रखना है एंड देन आई कैन सी अ रिफ्लेक्शन ओवर हियर. इस साइड से मुझे रिफ्लेक्शन दिखेगा तो मैं इस साइड पे आराम से जो है रिफ्लेक्शन से ड्रॉ कर सकती हूँ. इस तरीके का ये मैजिक मिरर है तो इस अभी तो भैया के कुछ काम नहीं आने वाला है बट जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो यू नो थोड़ा सा काम आ सकता है. तो दैट इज़ व्हाई वी ऑप्टेड फॉर दिस. दिस कॉस्टेड मी 100 rupees एंड जो ब्लो पेन का सेट है वो तो उन्होंने मुझे उस पर फ्री दे दिया था. एंड वहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आपके जो फाइबर मटेरियल पे जो है अलग अलग अल्फाबेट्स थे, अलग अलग ड्राइंग में अल्फाबेट्स बने हुए थे एंड दैट ईच नेम कॉस्टेड ₹100. मैंने उनको बहुत बोला कि वीया का एक मुझे नाम लेना है एंड इट हैज़ ओनली 4 letters इन इट, सो प्लीज़ डोंट चार्ज मी 100 rupees, थोड़ा सा तो कम करो, 4 letters ही है एंड एवरीथिंग. बट ही सेड नहीं 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 नहीं, तो हमने जो है फिर नहीं लिया. लेकिन इट वॉज़ रियली वर्थ इट. अगर आपके बच्चे का नाम थोड़ा सा बड़ा है तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट. क्योंकि भैया का नाम यू नो ओनली 4 letters इट डज एंड आई हैव टू पे 100 rupees फॉर द 4 letters. और उसमें जो है आप डबल साइड टेप चिपकाओगे उस लेटर के ऊपर एंड यू कैन पेस्ट इट एनी वेयर ऑन योर कबर्ड, ऑन योर डोर, ऑन योर फ्रिज, एनी वेयर यू वॉन्ट यू कैन स्टिक इट. इट वॉज लाइक दैट. लेकिन आने के बाद थोड़ा सा कॉस्टली लगा, मुझे भी कॉस्टली लगा ऑब्वियसली. 4 letters में 100 rupees इज टू कॉस्टली. अगर वो थोड़ा सा 50-60 rupees में भी देते तो शायद मैं ले लेती 4 letters यू नो. तो दिस वॉज इट फॉर माई होम एंड विया के टॉयज. मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं. द पार्ट टू इज़ कमिंग इन क्लोथ्स. पार्ट टू में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने नुमाइश से क्या क्या कपड़े खरीदे मेरे लिए, विया के लिए एंड आदित्य के लिए. तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर.